वेलकम टू चारिका ब्लॉग्स। तो आज हम आपको ले आए हैं महाराष्ट्र के कोकण प्रांत में, यानी रायगढ़ जिले के महाड़ तहसील में, और यहाँ का एक ऐतिहासिक स्थल जो है राष्ट्रीय स्मारक चौदार तालाब। यह वही जगह है जहाँ 20 मार्च 1927 के दिन विश्वरत्न महामानव बोधिसत्व, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अगुवाई में ऐतिहासिक सत्याग्रह किया गया था, जिसे चौदार तालाब सत्याग्रह या महाड़ का मुक्ति संग्राम इस नाम से भी जाना जाता है। इस ऐतिहासिक स्थल पर अगर आप भेंट देना चाहते हो तो मुंबई गोवा नेशनल हाईवे से आप रायगढ़ रोड से यहाँ पर पहुँच सकते हो, या फिर बाय ट्रेन अगर आप आना चाहो तो कोकण रेल का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वीर। हम यहाँ बाय रोड पहुँचे। यहाँ पहुँचते ही मुख्य गेट के बाहर की ओर हमें एक फलक दिखाई देता है जिस पर लिखा है चौदार तालाब राष्ट्रीय स्मारक। चौदार इस मराठी शब्द का अर्थ है स्वादिष्ट। इस गेट से अंदर की ओर हम थोड़ी देर बाद चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं इसी तालाब के दूसरे किनारे पर। यहाँ पर जो मराठी में लिखा गया है उसका हिंदी अनुवाद ऐसा है कि इन्हीं सीढ़ियों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 20 मार्च 1927 के दिन अछूतों को मूलभूत मानवीय हक अधिकार दिलाने के लिए पानी ग्रहण करके सत्याग्रह किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरी जिंदगी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पाने के लिए लड़ाई लड़ी। समस्त बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए वे काम करते रहे। भारत के निर्माण के लिए उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने कई आंदोलन और सत्याग्रह किए, लेकिन 20 मार्च 1927 के दिन महाड़ के इस चौदार तालाब का सत्याग्रह बेहद खास और महत्वपूर्ण रहा, जो उनका पहला बड़ा सत्याग्रह था। उसकी विस्तृत जानकारी हम फिर कभी लेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं मुख्य गेट से अंदर की ओर। यहाँ से बाई ओर हमें दिखाई देता है बहुत बड़ा सभागृह, जिस पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम लिखा है, और दाई ओर छोटा सा गार्डन बनाया गया है, और बिल्कुल सामने की ओर है इस तालाब के बीचों बीच बना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूर्णाकृति पुतला। इस सत्याग्रह के दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जाहिर सभा में जो अध्यक्षीय भाषण किया उसके कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स को यहाँ इस पुतले के नीचे चारों ओर लिखा गया है, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों को उस दिन का और उस वक्त की परिस्थितियों का अंदाजा हो सके। बाबा साहब के इस स्टैचू के नीचे जो पहला मैसेज लिखा हुआ है वो है कि यह संग्राम केवल पानी के लिए नहीं है, बल्कि मानवीय मूलभूत हक के लिए। इसके राइट साइड में जो दूसरा मैसेज लिखा है वो है, जातीयवाद को नष्ट किए बगैर राजकीय, सामाजिक और आर्थिक सुधार होना अशक्य है। पीछे की ओर तीसरा स्टेटमेंट लिखा है जो है, लोगों के राजकीय एवं सामाजिक जीवन में खून का एक कतरा भी न गिराकर
क्रांतिकारक बदलाव लाना, यही जनतंत्र है। लेफ्ट में उनका चौथा स्टेटमेंट है कि हम लड़ झगड़ रहे हैं इज्जत पाने के लिए, और उसके लिए जो चाहे वो त्याग करने की हमारी तैयारी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पदस्पर्श से पुनीत इस जगह पर महाड़ नगर परिषद के माध्यम से यह राष्ट्रीय स्मारक बनवाया गया है। यहाँ हर साल 20 मार्च के दिन हजारों की संख्या में अनुयायी एवं पर्यटक इस जगह भेंट देने आते हैं। 20 मार्च के इस दिन को भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन यहाँ रैलियां तथा जन सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। कहा जाता है कि 20 मार्च 1927 से पहले इस तालाब का पानी वैसे तो सामान्य था, लेकिन बाबा साहब के स्पर्श से यह तालाब चौदार हो गया।